जय हिंद। तो जैसा कि शायद आप लोगों को खबर पड़ गई होगी, बहुत कुछ हुआ है आज के दिन में भी देश के अंदर। जैसा हमेशा होता है, कुछ नया तो नहीं है। किसी न किसी चीज़ को बैन किया गया होगा, किसी न किसी चीज़ को अनलॉक किया होगा। तो इसी तरह भारत सरकार ने ट्विटर को भी कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ के बारे में लिखा था कि आप इन चीज़ों को ब्लॉक कीजिए, इन हैंडल्स को रिमूव कीजिए, इन हैशटैग्स पर सेंसर कीजिए। जिसके जवाब में ट्विटर ने एक रिप्लाई दिया है कि हमने 500 के आसपास हैंडल्स और हैशटैग्स को एक तरह से सेंसर किया है, विजिबिलिटी लिमिट की है। लेकिन सरकार जो हमें कह रही है, हम वो पूरी तरह से नहीं मानेंगे, क्योंकि हम देश के कानून का सम्मान ज़रूर करते हैं, लेकिन इसके साथ ही फ्री स्पीच भी मानते हैं कि देश में फ्री स्पीच होनी चाहिए, ट्वीट्स शुड फॉलो, लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। एक तरह से ट्विटर ने सरकार को जवाब दिया है, और ये सही भी है, क्योंकि जब सरकारें ट्विटर पर ही अपने एजेंडे चलाती है, सरकारी ट्विटर के ज़रिए ही अपना सारा कामकाज चल रहा है, और मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की चीज़ें हैं वो आजकल ट्विटर के थ्रू ही मैनेज हो रही है। इवन इन पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी एंड ऑल जो बड़े लीडर हैं, जिनसे एक्सपेक्टेशन है कि वो ग्राउंड पर आके काम करेंगे, वो जस्ट एक ट्वीट कर देते हैं, आइदर सपोर्ट में और विरोध में। खैर, ट्विटर जब इतना इम्पोर्टेंट मीडियम बन गया है, तो क्या ट्विटर की मोनोपोली चल सकती है? कुछ लोग इसमें खुश हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्विटर ने सरकार को औकात दिखा दी है। तो मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आपको शायद नरेंद्र मोदी की सरकार से कोई दिक्कत होगी, इस वजह से आप इन चीज़ों पर खुश होते होंगे। आपको शायद ऐसा लगता होगा कि बीजेपी सरकार अच्छा नहीं कर रही है, इसके लिए जब ट्विटर जैसी कंपनियाँ मुँह दिखाती है, आँख दिखाती है, तो आप खुश होते होंगे। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ, इंडिया एक सॉवरेन नेशन है, ट्विटर जस्ट एक कंपनी है। ट्विटर की औकात नहीं है कि इंडिया के अंदर आकर इंडिया को आँख दिखा सके, नंबर एक। नंबर दो, इंडिया को ज़रूरत नहीं है ट्विटर के पास जाकर काम करने की, ट्विटर को ज़रूरत है इंडिया के अंदर आकर काम करने की। 130 करोड़ के देश में एक बहुत बड़ा मार्केट इन विदेशी कंपनियों को नज़र आता है, रेगुलेशंस मानने होंगे। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि सरकार ने ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेशंस अप्लाई कर दिए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चाइना को देखिए। चाइना के अंदर गूगल सर्च इंजन नहीं चलता है, उनका पर्सनल एक सर्च इंजन है बाइडू, BAIDU। वहाँ पर ट्विटर नहीं चलता है, वीबो नाम की एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जो वहाँ ट्विटर का ऑल्टरनेटिव है। इसके अलावा वहाँ पर व्हाट्सएप भी नहीं चलता है, वहाँ पर वी चैट चलता है, जिसके ऊपर पूरी सरकारी सर्वेलांस है। तो आप ये मत कहिए कि ट्विटर ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत अनोखा काम कर दिया भारत सरकार को आँख दिखा के। मैं इस चीज़ में ट्विटर की बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता बात कि भारत सरकार का कानून उन्होंने, आदेश उन्होंने मानने से इनकार किया है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, हिंदुस्तान की संप्रभुता, हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी रहनी चाहिए, रहेगी। तो इस पे जो जो इंसान खुश हो रहे हैं कि ट्विटर ने भारत सरकार को आँख दिखाई है, वो अपनी खुशी को अपने पास रखें, क्योंकि आज नहीं तो कल ट्विटर को लाइन पर आना ही पड़ेगा। अदर देन दैट, एक और बात है कि भारत सरकार एक आजकल एक नया प्रयोग कर रही है आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट के तहत एक एप्लीकेशन है जो माइक्रो ब्लॉगिंग है, जस्ट लाइक ट्विटर। उस एप्लीकेशन का नाम है कू, KOO। भगवान जाने इसके पीछे मकसद क्या है। एक एक प्रॉब्लम इंडिया में ये भी है ना कि हम स्टार्टअप के नाम पे बड़ी कंपनियों का देसी वर्जन निकाल रहे हैं, और अगर हम उन्हें माने तो एक ब्लॉगिंग का या किसी भी चीज़ का हम लोग क्लोन निकाल रहे हैं। स्टार्टअप का मतलब होता है एक ऐसी 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 चीज़ की खोज करना जो किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। लोग अपनी बात नहीं एक दूसरे तक पहुंचा पा रहे थे, और कुट आया, फेसबुक आया, माइक्रो ब्लॉगिंग है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है। अब इन चीज़ों में एक नया वेबसाइट, एक नया प्लेटफॉर्म बनाकर क्या हासिल हो जाएगा? या तो ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो ट्विटर ने एक्शन लिया, उसके बाद से कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा हो कि वी आर अनसर्टेन अबाउट द फ्यूचर। बट टेक्निकल प्रॉबिलिटी या फिजिबिलिटी इस चीज़ की मुझे तो समझ नहीं आती है कि कू जैसी एप्लीकेशंस, और वो भी सरकारी इंटरफेस के बाद, एक सरकारी सरकारी प्रोत्साहन के बाद, ऐसी बचकानी सी को क्लोन ऐप आप बना रहे हैं। खैर, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये ऐप बनाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जब हम चाइना को देखते हैं तो वहाँ पर उनका एक इकोसिस्टम काम कर रहा है जिसमें सब कुछ चाइना का ही है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बाहर की किसी कंपनी को ज़्यादा स्वायत्तता दी है। तो कू ऐप सफल होगी या असफल होगी, ट्विटर बात मानेगा नहीं मानेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आप इस चीज़ को स्वीकार कर लीजिए कि हिंदुस्तान एक आदमी से नहीं बना है, हिंदुस्तान एक सरकार से नहीं बना है, हिंदुस्तान एक पार्टी से नहीं बना है,
हिंदुस्तान आपसे और मुझसे बना है। जय हिंद।